माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शनिवार को बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जनपद के बिलारी, कुंदरकी और शहर क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्रों में पहुंची राज्य मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नकल रोकने के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आज बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने परीक्षा केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग देखी। राज्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुलाब देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसका ही असर है कि अब तक हजारों छात्र नकल न होने के चलते परीक्षा छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। प्रदेश में पूर्वांचल में परीक्षा पेपर आउट होने और बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों ने परीक्षा देने के सवाल पर राज्य मंत्री शिक्षा विभाग का बचाव करती नजर आई। गुलाब देवी के मुताबिक सरकार के कड़े कदमों के चलते नकल माफियाओं के हौसले पस्त हैं। पूर्वांचल में नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही का हवाला भी दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि जो भी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कहीं कोई चीज़ नहीं मिली है, सब शांति से पेपर चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ना हमारे बच्चे तनाव में हैं, ना हमारे शिक्षक तनाव में हैं, और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई परेशानी है ही नहीं कहीं पर पूरे प्रदेश में। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगी आपसे कि पहले जो ठेकेदारी पे नकल होती थी, बोल बोल के नकल कराई जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिसमें कहीं कहीं कोई आपको ये सुनने में आ रहा है, और वो इसीलिए सुनने में आ रहा है कि सारी व्यवस्था हमारी ठीक है और वो लोग पकड़ में आ रहे हैं जो लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले मैंने अभी बताया आपको ठेकेदारी पे नकल चलती थी जी। आज जब उनको बच्चों को ये पता लग गया कि अब ये नकल नहीं होगी, तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पेपर ही देने नहीं आ रहे जब उनको ये पता लग गया है कि नकल नहीं कर पाएंगे। और जो योग्य बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वही बच्चे पेपर दे रहे हैं और उनका रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा और वो ही आगे चल के इस भविष्य की बागडोर के लिए अपने हाथ में लेंगे। अभी पिछले दिनों गैंगस्टर तक लगा हुआ है मऊ में या गाजीपुर में, जहाँ ये इस तरह की बात सामने आई है तो वहाँ गैंगस्टर तक जिलाधिकारी ने लगाया है, तो कार्रवाई की जा रही है, तत्काल की जा रही है, प्रभावी कार्रवाई।